गोविंदा जी के भाई कीर्ति जी हमारे साथ हैं। सर आप मिलकर आ रहे हैं, विस्तार से मुझे बताइए क्योंकि तबीयत अभी कैसी है, क्या लोगों को अभी भी चिंता करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं खुद मिलकर आ रहा हूँ, इम्प्रूवमेंट है। सबसे बड़ी ईश्वर की कृपा ये रही है, मतलब ये सब लोगों का प्यार रहा है, जितने लोग उनको प्यार करते हैं सब ईश्वर की कृपा रही है कि उनको जो चोट लगी, जो गोली लगी, वो गोली बॉडी तो छेदा उसने लेकिन हड्डी को नहीं जो है जाके लगा। कौन से पैर में? पाँव में, राइट हैंड पाँव में लगी थी, राइट वाले पैर में लगी थी, तो बच गए थे, लेकिन बच गए। और उसके बाद वक्त से जो है उनको एडमिट करा दिया गया, तो वो गोली रिमूव करा दी। वो गोली सबसे अच्छी बात यह है कि वो ब्लास्ट नहीं हुई गोली अंदर, तो नहीं तो उसके छर्रे बर्रे कुछ होते हैं पता नहीं, मुझे दादा नहीं पता है ना, तो ये सब है, मतलब ठीक हो गया। अभी आप मिलकर आए, उन्होंने आपसे बातचीत की, कुछ खा पी रहे? मुझे कहा, मैंने पूछा उनसे, उन्होंने कहा कम से कम पप्पू या दो तीन दिन बाद जो है ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग छोड़ेंगे। वो कह रहे थे मेरी इच्छा तो है मैं शाम को घर आ जाऊँ, मतलब होमसिक आदमी है बहुत मेरा भाई है ना। बस मुझे बताइए कि उनके पैर में जो गोली लगी है, राइट पैर में, आप बता रहे हैं, आपको कब कॉल आया कि ब्लड बहुत बह गया था? नहीं 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 नहीं, सुबह मतलब जो है उनका मतलब जो फोन आया कि पप्पू भैया तुरंत आप आइए, ऐसे ऐसे हो गया है, मतलब तो मैं तुरंत बजे आपको कॉल किया। अब इतना नहीं मुझे याद, 5 बजे करीब किया होगा, तब तक वो घर पर ही थे, तब इलाज कर, फ्लाइट पकड़ने के लिए निकल रहे थे ना। अच्छा, गोली लगने के बाद सबसे पहले आपको कॉल किया? जी हाँ, इमीडिएटली मुझे कॉल किया। कब तक पहुंचे फिर आपस में? मुझे 15 मिनट लगे होंगे, जो बगल में, मैं सांता क्रूज में, यहाँ मेरा ऑफिस है, मैं ऑफिस में रहता हूँ, तो यहाँ से 15 मिनट में मैं पहुँच गया। आप अस्पताल उनको लेकर आए, प्राइवेट गाड़ी में लाए आप लोगों को? जी बिल्कुल, उनकी उनकी पर्सनल गाड़ी में लेके आए। कौन था सर घर में? घर में और कोई मौजूद था? नहीं नहीं, घर की बात नहीं है, मैं हूँ, मेरे भाई थे, ड्राइवर था, बाबा दुबे थे, हम लोग लोग थे बस। जब लाए सर, ज्यादा ब्लड बह गया था उनका? काफी बहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप लोग देखकर परेशान हो गए होंगे? परेशान नहीं, घबरा गए थे बहुत ज्यादा कि ये क्या हो गया है ना। तो जी आप बताएंगे कि अभी आप मिलकर आ रहे हैं, वो सब ठीक है? इम्प्रूवमेंट है, बहुत इम्प्रूवमेंट है, और मैं सबको कई बार धन्यवाद दे चुका हूँ, पत्रकार बंधु जितने हैं हमारे, कि इन लोगों ने इतना प्रेम और इतना आदर हम लोगों के प्रति जताया, हम लोग ऋणी हैं आप लोगों के। मैं उनसे कहूँगा कि भैया एक पत्रकारों के लिए एक छोटा सा जो है वो बनाइए, तबीयत ठीक होने के बाद जिनको आप लोगों को बुलाइए, और एक छोटी सी जो है चाय पार्टी या जो भी लगता है उनको, जो ठीक लगता है आप लोगों का, मतलब सम्मान करें वो। सर मेरा एक सवाल ये है कि पुलिस ने क्या उनका बयान दर्ज कर लिया है, परिवार के बाकी सदस्यों का भी बयान लिया है? ये मामला मुझे नहीं पता पुलिस का, क्योंकि हम लोग तो सीधा, पुलिस तो प्रोटेक्शन के लिए होती है हमारी, मेरा भाई जो है वो तो शिंदे साहब के लिए भी जो है काम करता है ना, तो जो स्टेटमेंट मैंने दिया या किसी ने दिया वो तो एक ही बात है ना, उसमें तो कोई दो राय नहीं। गनीमत है कि अभी वो सुरक्षित है और सब सही? बिल्कुल सुरक्षित है, एकदम बढ़िया, खुश रहो। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो गोविंदा जी के भाई को सुन रहे थे, बड़े भाई हैं उनके, वो कह रहे हैं कि मिलकर आए, उन्होंने पूरा वाकया बताया कि उनको कब कॉल किया, और अब वो पूरी तरह से सुरक्षित है। गोविंदा चाहते हैं कि वो शाम को डिस्चार्ज हो जाए, लेकिन डॉक्टर्स ने उनको 2 दिन और रेस्ट करने की सलाह दी है।